आज भाई यहाँ पर फूलों की घाटी सभी टूरिस्ट के लिए खोल दी गई है कि भाई अभी यात्रा के एक हफ्ता हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक पुराने टाइप वाला पुल देख रहे हो भाई, जिस पे भाई टिन की चादर लगी हुई है। फूलों की है ना कैजुअलिटी हो चुकी है और ये बहुत ही बुरी बात है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग फ्रॉम घांगरिया। तो कल हम लोग पहुंच चुके थे शाम को, आप लोग जैसे पता ही है, और सुबह ही भाई अभी 7 बज चुके हैं और सुबह के टाइम पे ही भाई हम लोगों को निकलना पड़ा क्योंकि 7:30-8 बजे तक जो फूलों की घाटी है ना उसकी मतलब ओपनिंग हो जाएगी। भैया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बद्री विशाल। देखो भाई, तो जो इस बार का टूर है ना, मैंने कहा था ना आप लोगों को, बहुत वीआईपी लोगों के साथ, हमारे डीएफओ साहब, हमारे सरपंच जी, हमारे प्रेस क्लब के लोग, बहुत खतरनाक खतरनाक। तो लेकिन सुबह सुबह की कहानी ऐसे ना, लोकपाल देवता की। जय लोकपाल देवता की भाई। और यहाँ पर आप लोगों को बता दो कि लोकपाल देवता जी भी है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब में, तो कहानी भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए, कहाँ के लिए? फूलों की घाटी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यहाँ पर देखिए भाई, सुबह सुबह गुरुद्वारा है ना भाई, शाम को तो इतने अच्छे से दिखाई नहीं पाया, लेकिन अभी के टाइम पे देखो भाई क्या मस्त लग रहा है। देख रहे हो भाई, और सफाई एक नंबर। घांगरिया में जो है ना इतनी सही सही दुकान है ना भाई, मतलब ऑलमोस्ट आपको जो चीज़ भाई हमारे मार्केट में भी नहीं मिलेगी ना, वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इतना प्यारा मार्केट है। और ये देखो ना, ये जैकेट भी हमने यहीं से लिया। जैकेट यहीं से ले रहा भाई जी, ले रखा है यहाँ। माइनस रात को 8 डिग्री था यहाँ। हाँ भाई, टेम्परेचर -8 डिग्री तो था भाई, इतना भी नहीं था यार भाई, -8 भाई। अभी भाई अभी -2 है भाई, भाई जी लोग बोल रहे हैं तो भाई होगा भाई -8 -2। लेकिन और भाई यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था ये है कि भाई आप लोग यहाँ पे रेंटल में भी चीज़ें ले सकते हो, जैकेट से लेके सब कुछ। वहाँ पर भाई बहुत सारी शॉप्स भी हैं और इस साइड पे आप लोगों को घोड़ा पड़ा, जो दूसरा घोड़ा पड़ा वो मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो घोड़े मिलेंगे वो मिलेंगे हेमकुंड साहिब के लिए। और यहीं यहाँ पर भी देखेंगे, अभी मेन्यू लिस्ट भी लगा हुआ है। तो यहाँ से पड़ाव शुरू कर, देखो भाई सुबह के ही टाइम तो यहाँ पर घोड़े मिलना शुरू हो गया और टाइम टू टाइम वाला सिस्टम है भाई यहाँ पर। कि भाई अभी यात्रा के एक हफ्ता हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यार, एक घोड़े की है ना कैजुअलिटी हो चुकी है और ये बहुत ही बुरी बात। आप लोग यात्रा कर रहे हो ना, इसलिए हम बोलते हैं जितने भी हम लोग यूथ हैं ना अभी जो चलने के लायक है, वो लोग घोड़ा ना लें, क्योंकि जो भाई घोड़े होते हैं ना उनमें भी जान होती है। और देखो उसका पहला रिजल्ट हेमकुंड वाले रास्ते पर पूरा मिल चुका है, तो इस यात्रा की पहली कैजुअलिटी जाना था मैं। तो भगवान घोड़े की आत्मा को शांति दे। तो अभी हम लोग चलते आगे। घोड़ा था, खच्चर था भाई जी, था तो जानवर ही। यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है फूलों की घाटी का रास्ता, जो कि 4 किलोमीटर है। जो राइट साइड वाला रास्ता है वो है आपका लक्ष्मण मंदिर हेमकुंड साहिब जाने के लिए, और जो लेफ्ट साइड है ये है फूलों की घाटी जाने के लिए। हम लोगों ने इसी रास्ते पे जाना है क्योंकि हमें आज 1 जून 2024 को फूलों की घाटी सभी लोगों के लिए खुली जाएगी, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। देखते हैं भाई गेट कहाँ पे लगा हुआ, गेट कहाँ पे था भाई? ना 100 मीटर आगे भाई जी लोग कल शाम को आ जाते राउंड देखने। दोस्तों भाई हम लोग अभी डीएफओ सर का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ से अभी तो यहाँ से जब ओपनिंग होगी ना तो डीएफओ सर के द्वारा ही ओपनिंग होगी, तो बस 2 मिनट और उसके बाद भाई वैली ऑफ फ्लावर्स सबके लिए खोल दी जाएगी। तो अब तक आप लोग सिनेमैटिक देखिए किस प्रकार से डीएफओ सर पहुँचते हैं और प्रकार से यहाँ पे मतलब ओपनिंग करते हैं वैली ऑफ फ्लावर की। Thank you.
तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग फर्स्ट जी। हम बिल्कुल पहले 6:15 बजे से हम बैठे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसे लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया, पहली बार आए हम। अच्छा, कहाँ से आप लोग? हम दिल्ली से। अच्छा, दोनों के दोनों? जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया, तो हैप्पी जर्नी भैया, मिलते हैं आगे रास्ते में। आज भाई यहाँ पर फूलों की घाटी सभी टूरिस्ट के लिए खोल दी गई है, और यहाँ पर भाई आप लोगों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, मतलब फी काउंटर बना हुआ है, तो जिस पर भाई आप लोगों को यहाँ की मतलब चार्ज देते हैं, वो है लोकल्स लोगों के लिए या मतलब इंडियन लोगों के लिए 200, और जो हमारे फॉरनर्स हैं उनके लिए 800। और जो ओपनिंग टाइम है वो 7 बजे से 12 बजे तक का है, और जो क्लोजिंग टाइम है वो 5 बजे तक, मतलब और 12 बजे तक आप लोग भाई जा सकते हो फूलों की घाटी में, और 5 बजे तक आप लोगों को वापस आना है, क्योंकि वहाँ पर रहने की कुछ भी व्यवस्थाएँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 5 बजे तक आपको कैसे ना कैसे करके वापस इस पॉइंट पर पहुँचना है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ऐसी रिसिप्ट मिलेगी जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा और सब कुछ लिखा होगा, तो आपको यहीं से आपको ऐसा रिसिप्ट मिलेगा। कितना? 200 का भैया? हाँ, तो लोकल लोगों के लिए 200 का है। और अब हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, और देख सकते हो यहाँ पर जो है ना भाई इतने सारे फूलों की लिस्ट बनी है, देख सकते हो टाइम भी बताया कि कौन सा फूल कब खुलता है। और एक जो सबसे प्यारा फूल है ना, ब्लू पॉपी भाई, ये देख रहा हूँ, ये हमको मिल जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ये खिलता है जुलाई अगस्त के टाइम पे। तो करते हैं फूलों की घाटी में एंट्री। मतलब ये वैली ऐसी है ना कि क्या बताएं हम लोग, बहुत ही अल्टीमेट 500+ फूल देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ बता देता हूँ कि जो फूलों की घाटी है ना, उसे 2005 में भाई विश्व धरोहर है भी इसको रखा गया है। तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही प्राउड वाली बात है हम लोगों के लिए कि उत्तराखंड में भी 2-3 विश्व धरोहर है, एक फूलों की घाटी और एक रम्मा। जैसे हम लोग 100 मीटर आगे निकले हैं ना, और यहाँ पर हम लोगों को ग्लेशियर भी देखने को मिल रहा है। देख रहे हो भाई क्या मस्त से ग्लेशियर हो रखा है, और इसी के बीच से रास्ता है। स्टार्टिंग में आने का मेरा ये रीजन था स्नो देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भाई अभी रिसेंटली हुई है बरसात। और यहाँ देखो भाई, देख रहे हो भाई, इस मई जून में भी आप लोग भाई बर्फ़ में चल रहे हो, तो क्या मस्ती बात है दोस्तों। ग्लेशियर तो हम लोगों ने पार कर दिया था, और अब आ चुका है रिवर साइड वाला एरिया। मतलब यहाँ पर भाई आपको जो रिवर दिख रही है ना, यह है पुष्पावती नदी। मतलब यहाँ पर दो नदी आती है, एक आती है लक्ष्मण गंगा जो कि हेमकुंड और लक्ष्मण मंदिर से आती है, और एक आती है पुष्पावती जो कि आती है फूलों की घाटी से। और यहाँ पे देखिए भाई, इस बीच में देख रहा हूँ अब ये रास्ता जो है ना, ये पूरा पथरीला पथरीला वाला रास्ता है, और उसके बीच सामने देखो ठीक एक भाई मस्त सा ब्रिज बना हुआ है जो कि मतलब रिवर क्रॉसिंग करने के लिए, और ये बहुत ही एपिक लगता है भाई, बहुत ही मस्त। ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं ना इस पूरी घाटी में, बहुत ही मस्त। और हाँ, इस घाटी को कहते हैं भ्यूंडार घाटी, तो जी यहाँ के लोग हैं ना इन्हें मतलब भ्यूंडार वासी बोलते हैं, और बहुत ही अलग अलग नामों से यहाँ के मतलब लोगों को बोला जाता है, जैसे भ्यूंडार वासी एकदम दुरियाल बॉयज, क्योंकि एक मैंने एक मैच देखा था तो वहाँ पे एक टीम आई थी तो दुरियाल बॉयज नाम से आई थी, इसलिए मैंने जब पता किया समय कि कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा था कि जो वैली ऑफ फ्लावर है तो उससे नीचे जो गांव है। तो जैसे हम लोगों ने पुष्पावती नदी भाई क्रॉस की, तो हमें यहाँ पर भाई बाबा जी लोग भी मिल रहे हैं। बाबा जी लोग, आप लोग भी फूलों की घाटी के लिए? फूलों की घाटी घूमने के मन है हम लोग को। हाँ जी, फूलों की घाटी हम लोग घूमने जा रहे हैं अभी। हाँ, हम लोग हेमकुंड के दर्शन करके आ रहे हैं जी, बद्रीनाथ दर्शन कर लिए जी, अब फूलों की घाटी दर्शन करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे जी, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे हम लोग, फिर जाएंगे केदारनाथ जी, तुंगनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री, अच्छा घूमते हुए हम लोग फिर नीचे उतरेंगे। और क्या, कहाँ से आए हो आप? हम लोग काशी से आए हैं, काशी के महात्मा है हम लोग, हरिद्वार ऋषिकेश। मुझे एक बात बताइए, आप ऊपर गए ना? हाँ। वहाँ पे एक लक्ष्मण मंदिर था। हाँ। उसके दर्शन किए कि नहीं किए? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। हाँ। और वहाँ लक्ष्मण गंगा हाँ। आती है वहाँ से जी। हाँ, और लक्ष्मण कुंड भी है, हेमकुंड साहब के नाम से भी जाना जाता है वही। और जय हो, जय हो बम्बम बोला हर हर महादेव। इस पूरे जो ट्रैक है ना, इसका थोड़ा सा एक टफ जो पोर्शन है, तो वो अभी हम लोग चल रहे हैं, और इस टफ ट्रैक में ये कि ये थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई है, और जो ये पत्थर है ना देख सकते हो, ऐसे पत्थर हैं, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर चल रहा है, तो ये पूरा जो रास्ता है ना पत्थर वाला, ये थोड़ा टफ है, और जैसे ही हम इसके टॉप पर पहुँचेंगे ना, जो वहाँ से व्यू दिखता है भाई अल्टीमेट। और हमारे सरपंच जी, सरपंच जी भी एक और चश्मा तोड़ने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। सिस्टर कहाँ से हो आप? गुजरात से। गुजरात से? हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको वैली ऑफ फ्लावर? बहुत अच्छा
रहते हैं गुजरात में। अच्छा तो फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। पक्की बात? पक्की। और ये चढ़ाई जो चल रहे हो वो भी मजा आ रहा है, पर मेरी मम्मी के पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपको मजा आना चाहिए ना। हाँ ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं आगे। यहाँ पे भाई क्या मस्त स्टे पॉइंट बना हुआ है, और ये है भाई वुडियार, इसे बोलते हैं पहाड़ी में वुडियार, मतलब एक पत्थर के नीचे रुकने की व्यवस्था रहती है और ये सारा नेचुरल रहता है। और इस साइड पे देखो भाई अभी भी ग्लेशियर है यहाँ पे, और देख रहे हो भाई ग्लेशियर के बीच से रास्ता है। और अभी हमें भाई एक भाई जी मिले यहाँ पे, लोकल ही हैं जो यहाँ पे ट्रैक व्रैक करवाते हैं, वो कह रहे थे कि भाई 10 किलोमीटर की भाई ये वैली है, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ना वहाँ से 10 किलोमीटर आगे तक पूरी वैली ऑफ फ्लावर है, और उसके बीच में एक समाधि भी है जिन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी, तो वहाँ पे जाने का टाइम मिला तो वहाँ तक भी जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम कैसा कैसा होता है। और ये देखो भाई तो मैं ग्लेशियर की बात कर रहा था ना आपको, वो यहाँ पर क्या प्यारा सा यहीं पे ये पानी का, और एकदम नेचुरल सोर्स है, एकदम फ्रेश वाटर देख रहे हो भाई पहाड़ों से आ रहा है, तो थोड़ा पानी वानी पी लेता है। तो देखो भाई हम लोग जैसे फूलों की घाटी में एंटर हुए ना, एक भाई पुराने टाइप वाला पुल देख रहे हो भाई, जिस पर भाई टिन की चादर लगी हुई है, सबसे रिस्की वाला, और नीचे से नदी देखो भाई कितना खतरनाक है भाई, कितना खतरनाक देख रहो ये पूरा, बहुत ही भयंकर। और भाई क्या मस्त लग रही है भाई ये गंदेरा देख रहो, आवाज़ देखो क्या प्यारी सी लगती है भाई। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फूलों की घाटी के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और अब लोग हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं, एक दो सिनेमेटिक शॉट लेने की सोच रहे हैं, और विद परमिशन मुझे लगता है कि यार फ्लावर्स ऑफ वैली के बहुत ही रैंडम ड्रोन शॉट होंगे, उसमें से कुछ शॉट हमने भी लिया है विद परमिशन भाई, हम सब लोगों से परमिशन लेके यहाँ पे ड्रोन शॉट ले रहे हैं, तो आप लोग तब तक ड्रोन शॉट के मजे लीजिए, और इस वैली को भाई आंखों के साथ साथ आप इस बार आप एरियल व्यू में भी देखो क्या खूबसूरत सी लगती है। वाओ वाओ देख रहे हो भाई, सब 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 लोगों का सपोर्ट है इस बार का, तो इसलिए मैंने ये ट्रिप किया साथ। ये लोकेशन वैसे पता बहुत लोगों को, लेकिन हम अपने तरीके से जो दिखा रहे हैं ना वो थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा, तो आप लोग मजे कीजिए, इन्जॉय कीजिए तब तक ड्रोन शॉट के।